प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि कैसे कलर्स का शो दिल से दिल तक लेने वाला है 6 साल का लीव, और कैसे इस लीव के बाद शोरवरी का किरदार हो जाएगा शो से बाहर। वेल, रश्मि को मेकर्स ने इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं शोरवरी के किरदार के साथ। इनफैक्ट उन्हें इस बारे में लास्ट मिनट मेकर्स ने इन्फॉर्म किया। पिछली बार जब रश्मि से इस बारे में पूछा गया था तब तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी और कुछ कमेंट नहीं किया था, लेकिन अब फाइनली उन्होंने शो से जाने के बारे में बात करते हुए कहा, द ट्रैक ऑफ शोरवरी डिड नॉट मैच द ब्रीफ एंड फ्रैंकली अनएक्सेप्टेबल चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द शो व्हिच अफेक्टेड माय कैरेक्टर डायरेक्टली। आई वाज नॉट कन्विंस्ड सो डिसाइडेड टू एग्जिट। कलर्स क्रिएटिव टीम एंड शशि सुमित हैव अग्रीड टू माय डिसीजन। आई बिलीव एवरी प्रोजेक्ट दैट आई टेक अप शुड हैव अ हैप्पी एंड ब्यूटीफुल स्टार्ट एंड 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 इट्स ट्रू। आई डिडंट नो इट वाज माय लास्ट डे इन दिल से दिल तक टिल आई वेंट ऑन सेट। आई ऑलवेज कंसिडर द टीम लाइक अ फैमिली सो आई कैन ड्रिफ्ट अवे विद पीस। वी आर श्योर कि रश्मि देसाई के फैंस को ये खबर सुन काफी दुख पहुंचा होगा, लेकिन क्या पता रश्मि बहुत जल्द कोई नए शो का हिस्सा बन जाए। क्यों? खैर, आप बताइए, क्या आप खुश हैं मेकर्स और रश्मि के इस डिसीजन से? क्या आप मिस करोगे शोरवरी के किरदार को?